भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस तथ्यहीन एवं आधारहीन बातें कहकर जनता के मन में भ्रम फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि किसानों और किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्थान एवं केंद्र की सरकार ने अनेक अद्वितीय कार्य किए हैं। त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 28 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए। अब तक 8,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए जा चुके हैं। 244 पंचायत समिति एवं 4,301 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य में 15 नई मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा चुकी है, जिनसे अब तक लगभग 1.32 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार कर किसानों को दिए जा चुके हैं। बीकानेर जिले में देश की पहली जैतून रिफाइनरी की स्थापना भी भाजपा शासनकाल में ही हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य का दलहन के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान है। कांग्रेस की तुलना में 36% दलहन के उत्पादन में वृद्धि कर 4 वर्षों में 125 लाख मैट्रिक टन दलहन का उत्पादन किया। किसानों की सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 में 25.22 लाख किसानों को 1,594 करोड़, रबी 2016-2017 में 3.48 लाख किसानों को 217 करोड़ एवं खरीफ 2017 में 15.72 लाख कृषकों को 1120 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले किसानों को 50% फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता था, परंतु अब भाजपा शासनकाल में केवल 33% फसल खराबे पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। एक समय था जब यूरिया के लिए किसानों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना होता था। भाजपा के शासन में नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से किसानों को राहत दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा को छासगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित जिन राज्यों में लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला, तो वहां परिवर्तन ज्यादा बेहतर और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देश में सबसे पहले खाद्य सुरक्षा देने वाला राज्य छासगढ़ बना, जहां पर भाजपा का लंबे समय से शासन रहा। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ने के पीछे भी भाजपा का लंबे समय का शासन है। भूजल के स्तर में सर्वाधिक सुधार गुजरात में हुआ, वहाँ भी लंबे समय से भाजपा का शासन है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा को भाजपा के विकास कार्य नहीं दिखते, क्योंकि वे किसानों के अद्भुत हिमायती हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को किसान बनाया जो कभी खेत में खड़े ही नहीं हुए। हुड्डा ने उन लोगों को भी किसान बना दिया जो लोग लग्जरी गाड़ियों में विदेशों में घूमते हुए कोड़ियों के दामों पर जमीनें लेकर करोड़ों के मालिक बन गए। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को दशकों तक बुरी स्थिति में रखा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राम मंदिर जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर यह कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवाने की बात बुरे हिंदू ही करते हैं, तो क्या हुड्डा बुरे हिंदू बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन 490 वर्ष से चल रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे ईमानदार हैं तो 1990 में कार सेवकों की हत्या करवाने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने के लिए माफी मांगे। राहुल गांधी 1992 में विवादी ढांचा गिरने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के द्वारा दिए गए बयान की वे तथा कथित बाबरी मस्जिद पुनः बनाएंगे, इस बयान के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल न्यायालय में खड़े होकर यह कहते हैं कि इस मुद्दे को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तक ले जाना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से कोर्ट में खड़े होने वाले कपिल सिब्बल को वे वहां से हटाए। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल कोर्ट में वकील की भूमिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद
एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते हैं एवं हमारे कानून मंत्री जब वकील के रूप में कोर्ट में खड़े थे तो श्री रामलला विराजमान की ओर से खड़े थे। अगर कांग्रेस ईमानदार है तो उपरोक्त तीनों विषयों के लिए माफी मांगे, अन्यथा राहुल गांधी कितना भी मंदिर घूम लें इन तीन बातों से उनका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और आधारहीन बातें कहकर जनता के मन में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों और किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं के निवारण के लिए राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार ने अनेक अद्वितीय कार्य किए। राजस्थान की सरकार ने सिर्फ किसानों का ऋण माफ नहीं किया, बहुत सी सरकारों ने किसानों का ऋण माफ किया, परंतु वे किसान जो समय पे सही प्रक्रिया और तरीके के द्वारा अपना ऋण चुका देते हैं उनको भी तो कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। तो 50,000 रुपए तक की माफी या छूट उन किसानों को दी गई जो समय रहते और सही प्रक्रिया से अपना ऋण चुका देते, और ऐसे लगभग 28 लाख किसानों को यह लाभ सुनिश्चित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के अंदर एक अच्छे अनुशासन और एक स्वस्थ परंपरा को बढ़ाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य। कुल मिलाकर किसानों की ऋण माफी के लिए 8,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए। 244 पंचायत समितियों और 4,301 ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केंद्र स्थापित हुए। राजस्थान प्रदेश में किसानों के लिए मृदा यानी सॉयल की गुणवत्ता की पहचान बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखकर अगर वह उपयुक्त फसल का उत्पादन करेंगे तो उन्हें अधिक लाभ होगा। इसे ध्यान में रखते हुए 15 नई सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई गई और 1.32 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गए ताकि वो ये तय कर सकें कि उनकी खेत में किस प्रकार की मृदा की स्थिति है और उसके अनुरूप वो किस प्रकार की फसल का प्रयोग कर सकते हैं। दलहन के उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा और विगत 4 वर्षों में यहां 36% की वृद्धि हुई। बीकानेर में जैतून की रिफाइनरी एक नई स्थापित की गई। किसानों के लिए जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, उसकी जो सीमा थी वो 50,000 रुपए थी, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक, और 2016 में खरीफ में 25.2 लाख किसान और 2017 में 15.7 लाख किसान इसके लाभार्थी रहे। केंद्र की तरफ से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, राजस्थान के 62 लाख किसानों को उसका लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्यक्ष कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण विषय है और राजस्थान की सरकार ने गांवों में सीमेंटेड सड़कें बनाने से लेकर जन स्वावलंबन के विषय से लेकर और केंद्र सरकार ने सभी बचे हुए गांवों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराई, इस प्रकार से बिजली, सड़क और पानी, इन तीनों के माध्यम से भी गांवों की स्थिति में गुणात्मक सुधार। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि एक ऐसी समस्या है जिसका जो बदहाली कांग्रेस ने लंबे समय तक अपने शासन में रहते हुए की है, कृषि में यदि लंबे समय आपको शासन करने का मौका मिले 10-15 वर्ष तो वह परिवर्तन ज्यादा बेहतर और प्रत्यक्ष दिखाई। और जिसे मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, देश में खाद्य सुरक्षा देने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़, जहां में लंबे समय मौका। आज फूड ग्रेन्स पूल में जो राष्ट्रीय खाद्यान्न का पूल है उसमें सर्वाधिक योगदान किस राज्य का? मध्य प्रदेश।
वहां कृषि विकास दर 19.5% जब हम आए तो 3.5% की विकास दर। पूरे देश में भूजल का स्तर नीचे गया, अगर किसी राज्य में उसमें सुधार दर्ज हुआ था तो वो गुजरात। यानी यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की एक स्थापित नीति है कि जहां हमें लंबे समय मौका मिला हमें बहुत स्पष्ट पैराडाइम शिफ्ट देखने को। मैं आपसे अभी बताना चाहूंगा कि इस देश में किसानों को 0% इंटरेस्ट पे लोन देने वाला पहला राज्य कौन था? कर्नाटक, जब हमारी सरकार। इसलिए किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता पूर्णता असंदिग्ध। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद ज्यादा नहीं, केवल आपको 3-4 उदाहरण बनाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इससे पहले किसान को आपदा राहत प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया यह था कि 50% फसल बर्बाद हो गई हो तब वह आपदा राहत में से सहायता पाने का अधिकारी होता था। हमने उसे घटाकर 1/3, यानी अब आधी नहीं 1/3 फसल बर्बादी होने पर भी किसान को वह प्राप्त हो गया। आप सबको याद होगा पिछले वर्षों में यूरिया के लिए मुख्यमंत्री लोग दिल्ली की दौड़ लगाते थे और यूरिया के लिए किसान लोग रात रात भर लाइनें लगाते थे और कई बार पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ता था। अब नीम कोटेड यूरिया करते आपको किस प्रकार की घटना कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी होगी, इस प्रकार का कोई इंसिडेंस आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। केंद्र की सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई, जब फसल बीमा योजना होती थी तो जितनी भी फसल बीमा योजनाएं बनी, एक बार फसल जो खड़ी फसल है अगर उसको काट दिया गया और उसके बाद पानी गिर गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसका इंश्योरेंस नहीं। हमारी फसल बीमा योजना में खड़ी फसल और पड़ी फसल दोनों की बीमा सुनिश्चित किया गया है। यानी ऐसा नहीं कि जिस दिन उसने काटा और उसके 2 दिन बाद किसी कारणवश इससे पहले कि वो उठाता और कहीं मंडी तक पहुंचाता और उस बीच में कुछ हो गया तो उसको फसल बीमा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक और यथार्थ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये जो क्वार्टर है इस वित्तीय वर्ष लगातार ये तीसरा क्वार्टर है जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में भारत में वृद्धि दर्ज, लगातार 3 तिमाहियों से कृषि विकास की दर उत्तरोत्तर बढ़ रही, परंतु यह सब कांग्रेस पार्टी और हुड्डा जी को दिखाई नहीं पड़ा। क्यों दिखाई नहीं पड़ा? क्योंकि वो किसानों के एक अद्भुत हिमायती हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग किसान बनाया है जो कभी खेत में खड़े ही नहीं हुए, जो आलीशान बंगलों और आलीशान गाड़ियों में विदेशों में घूमते रहे और कौड़ियों के दाम जमीन को लेकर करोड़ों के मालिक बन गए। जब ऐसे किसान उनकी नजर में किसान होंगे तो असली किसान को देखने की दृष्टि उनके पास कहां से आएगी, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार, वसुंधरा जी की सरकार और केंद्र में एनडीए की मोदी जी की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किए हैं उसने एक महत्वपूर्ण कदम, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अभी बहुत कुछ कर लिया गया। अरे कृषि में इतनी स्थिति है कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बदहाली करके छोड़ी गई थी। अगर किसी एक किसान को भी कोई भी कष्ट होता है तो हमारे लिए संवेदना का विषय है, मगर जिन लोगों ने किसानों के नाम पर सब कुछ उड़ा दिया और किसानों को किस हालात में रखा दशकों दशक तक, वो लोग आकर उनकी रहनुमाई करने का दावा करते हैं, तो यह बात हमें पूरी तरीके से हास्यास्पद लगती है। इसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि चमन को सी चले में पत्तियां कुछ गिर रही है, यही एग्जाम हम पर लग रहा है देव भाई। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई। दूसरा विषय,